नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीटो लोशन से सफेद दाग से मिलेगा छुटकारा, स्किन की सभी बीमारियों से दिलाएगा निजात। वीटो लोशन अब आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कल इलाहाबाद में कोर्ट में जाते वक्त अधिवक्ता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर वकीलों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर आज जालौन के कोच में प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि मृत अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव के परिजनों को 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं रह गया है, क्योंकि कल इलाहाबाद में एक अधिवक्ता की निर्मम हत्या से ये प्रतीत होता है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यदि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश के वकील एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये भैया इलाहाबाद में 10 मई को कोर्ट जाते वक्त राजेंद्र जी श्रीवास्तव वकील साहब को गोली मार दी गई, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वो एक पार्टी की तरफ से वकील थे, तो अगेंस्ट पार्टी वालों ने ये षड्यंत्र के तहत उनको गोली मारी है, जैसा कि हमने सुना है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। इस तरह तो अधिवक्ता वकालत भी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग तो बिल्कुल सब एकजुट होकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शीघ्र शीघ्र मुलजिमों की गिरफ्तारी हो और वकील साहब के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा मिले।